HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original. नमस्ते, मेरा नाम निशांत है और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं डर का व्यापार नहीं करता। आप नर हैं, नारी हैं या अन्य, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आप एक सब्जेक्ट हैं जो इस कहानी के पात्रों में, किरदारों में खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में जब कहानी खत्म होती है तो एक सवाल बचता है, क्या वो सच था? आज की कहानी मेरी एक दोस्त और हमारे कॉमन फ्रेंड की है। नेहा को मैं कॉलेज के दिनों से जानता हूं। हालांकि हम दोनों के सब्जेक्ट अलग थे, डिपार्टमेंट्स अलग थे, पर फेस्ट के दौरान कई बार नेहा से मुलाकात हुई और फिर अच्छी दोस्ती हो गई। वक्त बदला, मैं दिल्ली आ गया, वो बैंगलोर में जॉब कर रही थी। नेहा के डिपार्टमेंट से उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं आप, श्वेता। ये दोनों जॉब करने के लिए भी एक साथ बैंगलोर गए थे। दोनों की कंपनीज अलग थी और 2 साल बाद कंपनी ने श्वेता को हंगरी ट्रांसफर कर दिया। वो एक आईटी कंपनी में थी और वहाँ बुडापेस्ट की यूनिट में उसे ट्रांसफर दिया गया। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि श्वेता वहाँ एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। वो वहीं का एक हंगेरियन लड़का है। कई बार मेरी श्वेता से बातचीत भी हुई। बातचीत के दरमियान उसने मुझे बताया कि दुनिया की सबसे टफ भाषाओं में से एक हंगेरियन है। मतलब मेरा बॉयफ्रेंड तो खुद भी अपने लोगों से अपनी भाषा में नहीं बल्कि इंग्लिश में बात करता है क्योंकि वो भाषा बहुत टफ है। तो मैंने कहा, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है, कम से कम नए देश में नए रिश्ते के साथ नई भाषा तो सीखनी नहीं पड़ेगी और तमाम तरह की चीज़ें, उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। और बीते कुछ वक्त से ना तो नेहा से बात हो पा रही है ना श्वेता से बात हो पा रही है। दोनों, नेहा से फिर भी कभी कभार बात हो जाती है क्योंकि हम दोनों एक ही शहर के हैं, तो अगर मान लो मैं कभी छुट्टियों में गया तो मुलाकात हो गई, या मैंने फेसबुक पोस्ट किया कि मैं घर आया हुआ हूँ तो उसने मुझसे पूछ लिया कि अच्छा आए हुए तो मिल ले, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। श्वेता चूंकि कॉमन फ्रेंड थी और मेरी डायरेक्ट फ्रेंड नहीं थी, इसलिए इतनी मुलाकात होती नहीं थी मेरी उससे, ना बातचीत, थोड़ी बहुत जो हो गई से हो गई। पिछले कई सालों से उससे कोई बातचीत नहीं हो पाई। एक तो मैं भी अपने काम में बिजी रहने लग गया और फिर यू नो कि इतनी बात नहीं हो पाती। मुझे आज भी याद है कि उसने आज से तकरीबन 4-4.5 साल पहले मुझे एक इनविटेशन भेजा था। इनफैक्ट मुझे और नेहा दोनों को भेजा था उसने, जब उसकी शादी हो रही थी, कि यार कोई तो रहे यहाँ पे, हंगरी में मेरे कोई दोस्त नहीं है, बुडापेस्ट अच्छा शहर है, आ जाओ तुम लोग, थोड़ा सा वक्त निकालो। मॉम एंड डैड ने भी मना कर दिया कि वो नहीं आ पाएंगे, वो तो वीडियो कॉल के जरिए देख लेंगे शादी, दोस्त तो कम से कम आ जाए। तो मैंने उस वक्त उससे कहा भी कि देख, आजकल काम की वजह से थोड़ा वक्त कम मिल पाता है, बट आई डेफिनेटली ट्राई। मुझे नेहा का नहीं मालूम कि वो जा रही है या नहीं, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मुझे आज भी याद है कि मैं उस दिन ऑफिस में ही था जब उसका इनविटेशन कार्ड आया। मैंने उसे मना किया था कि घर पर मत भेज, घर पर कोई होता नहीं है, मैं ऑफिस से घर जाता हूँ, अगर दोपहर में आ गया या शाम में आ गया तो मैं यहीं रहता हूँ, ऑफिस का एड्रेस ले ली, यहीं भेज दे। तो उसने इसी एड्रेस पे, मेरे ऑफिस के एड्रेस पे अपना वेडिंग कार्ड भेजा था। मुझे आज भी याद है, बहुत क्लासी कार्ड था वो शादी का। मतलब इससे पहले मैंने ऐसा कोई कार्ड नहीं देखा था। एक तो हंगरी का भी था और उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था, ईट ड्रिंक एंड गेट मैरिड। इनफैक्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये इन्विटेशन इस वक्त मेरे हाथ में ही है। रिसेप्शन की जगह थी जोसेफ गार्डन बुडापेस्ट, विराग टर्मिनल 3.46107, हंगरी। हालांकि मैं जा नहीं पाया और मैंने बाद में नेहा से भी पूछा था, वो भी जा नहीं पाई। पर आज से 3 महीने पहले नेहा ने मेरे पर्सनल आईडी पर मुझे एक ईमेल फॉरवर्ड किया। ये ईमेल उसे
हरकत से, कभी पैरों पर चींटी के चढ़ने का एहसास, कभी 16 माले की इमारत से कूदने पर, कभी पानी नाक में भर जाने पर, कभी छिपकली के बच्चे का दरवाजे के बीच आकर दो हिस्सों में बढ़ जाना, कभी जूते में छिपे सांप की ससराहट से, तो कभी कुछ जैसे कभी तो लगता कि आंखें खोल नहीं पाऊंगी, तो डर से एकदम कभी अपने फेवरेट गाने सुनने लगती हूँ, दिमाग में न जाने पर्पल से गोले घूमने लगते हैं, दिमाग बिखरने लगता है, चक्कर आने लगता है, नींद खुल जाती है, कभी बालों में कीड़े के फुसफुसाहट से, तो कभी कुछ और। ऐसी अजीब सी बातों के बीच हर बार नींद टूटती है। 3 बजे मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा है, किसी ने कहा डिप्रेशन है, किसी ने कहा थकान है, किसी ने कहा कुछ अधिक सोचने पर ऐसा हो रहा है, किसी ने कहा मैं जल्दी सो जाऊं इससे ठीक हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी सो रही हूं। मैंने सब कुछ करके देख लिया, यहां तक कि रात को 3 बजे जगकर भी देख लिया, लेकिन दूसरे दिन फिर वही बात। जोसेफ को साथ में रहने के लिए मैंने बुला लिया है, लेकिन अब उसके बिल्कुल बगल में होने के बावजूद भी 3 बजे उठ जाती हूँ। माँ को फोन किया, उन्होंने बोला सोड दूध में घोल करके पियो, डॉक्टर नींद की दवाइयां लिख रहे हैं। पापा ने कहा लैपटॉप और बुक्स कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, वो भी कर लिया, साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, लेकिन सही वजह नहीं जान पा रही हूँ। पता नहीं ये 3 AM क्या कहना चाह रहा है मुझसे। प्लीज हेल्प मी नेहा। श्वेता, ये मेल लिखा हुआ था। मेल पढ़ने के बाद मैंने नेहा को फोन किया कि ये क्या है, क्या हो रहा है। उसने कहा तूने कुछ अजीब सी चीज देखी इस ईमेल में। मैंने कहा सब कुछ ही अजीब लग रहा है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। उसने कहा देखो इसमें बार बार उसने जोसेफ लिखा है। मैंने कहा हाँ लिखा है तो। उसने मुझे पूछा कि तुम्हें ये बात पता है ना कि इनकी शादी के 6 महीने बाद ही जोसेफ की मौत हो गई थी। And I was like, ये कब हुआ। मैंने उससे कहा कि देख मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शी इज इन डिप्रेशन, वी शुड हेल्प हर। नेहा ने कहा कि बात इससे कहीं ज्यादा आगे है, मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स मंगा कर देख ली है, शी इज ऑल राइट, शी इज परफेक्टली फाइन, देयर इज समथिंग पैरानॉर्मल इन दैट हाउस। फाइनली हम लोगों ने ये तय किया कि हम श्वेता के लिए एक नई जॉब तलाशने की कोशिश करते हैं इंडिया में, बिकॉज बुडापेस्ट में उसका कोई और है नहीं। हमने उसके लिए एक जॉब भी ढूंढी, उसने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसके बाद फाइनल ऑफर लेटर के बाद उसने मना कर दिया कि उसे इंडिया नहीं आना है। आई डोंट नो क्या है ये, पर वी आर स्टिल ट्राइंग। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, nishant.rj nishant.rj This was an HD Smartcast original. HD Smartcast.